हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यार, इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आपके कमेंट्स और जो आपको प्यार है वो सब के बारे में बात करने वाला हूं। और सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतने सारे कमेंट्स दे रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली ये कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि सबके साथ शेयर करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ उनको ही रिप्लाई करूँगा तो बाकी लोगों का मे भी लॉस हो, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ ऐसे कमेंट्स जिसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करने की ज़रूरत है तो उनको मैं ये वीडियो में दूँ। तो ज़्यादा नहीं, 4-5 कमेंट्स मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत थैंक यू, मेरा वीडियो देख रहे हैं और उन्हें अच्छा भी लग रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट जो मैंने लिया है वो है दीपक मंजूनाथ का। He is saying like how to apply for electronic startups. Can you make a brief video on this? And how to build a good resume to get into this core companies. तो यार startups को apply करने के लिए ना, तो यार LinkedIn ही सहारा है, क्योंकि at least मुझे जितना तक पता है तो LinkedIn पे ही mostly आपको search करना पड़ता है क्या startups हैं, jobs देखने पड़ते हैं। बाकी कोई ऐसा website नाम की इंडीड वेबसाइट है, इंडीड पे भी आप देख सकते हो। बाकी नौकरी एंड ऑल दैट पे VLSI के बारे में, IT वगैरह के लिए VLSI के बारे में उतना अच्छा नहीं है। तो LinkedIn एंड इंडीड, यही दो एक सहारा है जो कि स्टार्टअप्स के बारे में। अभी अभी एक्चुअली मैं ऑलरेडी जॉब ले चुका हूँ, तो इतने सारे स्टार्टअप जो करेंटली आ रहे हैं उसके बारे में मुझे पूरा एक रिसर्च करना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी करेंटली कौन कौन से स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। आप LinkedIn के थ्रू ये कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपने रिज्यूमे के बारे में बोला है, तो सबसे पहले मैं बोलूँ तो रिज्यूमे बनाने के तरीके पे ज़्यादा फोकस देने से अच्छा है ना कि रिज्यूमे में क्या डालना है और जो आपके आपके प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट, उस पर ज़्यादा फोकस करो। मतलब आप अच्छे प्रोजेक्ट्स करो ये सब, तो वो ज़्यादा बिल्डअप होगा। ये कोई मार्केटिंग एज सच जॉब नहीं है, MBA मतलब सेल्स एंड ऑल दैट का नहीं है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनना पड़ता है। फ्रेशर्स के लिए इफ़ यू हैव गुड नॉलेज, साउंड नॉलेज और रिज्यूमे थोड़ा बहुत भी ठीक हो तो चल जाता है। बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि एक रिज्यूमे पे भी एक वीडियो बनाऊं, सो आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। तो ज़रूर दीपक जी, मैं एक ट्राई करूंगा बनाने के लिए, और स्टार्टअप्स भी मुझे जैसे ऐसे पता चलते जाएंगे ऑफकोर्स आई विल शेयर विथ यू। मैं जान के क्या करूंगा यार, आपके लिए ही तो है ये सब है। और दीपक जी और लिखते हैं कि सर कैन यू टेल हाउ टू गेट इन टू दीज जॉब्स, हाउ टू प्रिपेयर। तो यार दीपक, मैं यही बना रहा हूँ एक्चुअली, धीरे धीरे, थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे मैं बनाऊंगा सभी पे। तो अभी तक VLSI हो गया है, VLSI में एनालॉग डिजाइन हो गया है, RTL डिजाइन हो गया है, एम्बेडेड सिस्टम भी हो गया है, और एम्बेडेड सिस्टम एंड फर्मवेयर उस पर भी बना चुका हूँ। तो अभी धीरे धीरे बाकियों पे भी बनाऊंगा, और ये सारे वीडियोज अगर आप ध्यान से देखो तो सब में बताए हैं मैंने कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अच्छे से देखो वीडियोस ताकि आपको बहुत फायदा हो। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं अराहम अबेदीन, आई होप आई एम नॉट रीडिंग इट रॉन्ग। अराहम अबेदीन ये लिखते हैं, भैया जेई मेन्स के तैयारी के लिए 1 ईयर का ड्रॉप लेना क्या सही रहेगा, प्लीज 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 रिप्लाई कीजिएगा। तो या जेई मेन्स के लिए तो मैंने पर्सनली तो नहीं लिया था, मैंने 11th 12th के साथ ही प्रिपेयर किया था, तो यार नहीं हुआ था मेरा ऑफकोर्स। तो मैंने 1 ईयर का ड्रॉप नहीं लिया क्योंकि यार मैं उठ चुका था प्रिपरेशन करने से, तो मुझे पता था कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा या जो भी है। अपना अगर आपको लगता है कि आपने अपना 100% नहीं दिया है, या फिर आपकोर्स हमें पता रहता है 100% नहीं दिया, अगर तो आप नेक्स्ट ईयर इससे बेटर दे पाओगे तो ऑफकोर्स बिल्कुल वर्थ है। बिकॉज इवन इफ आपको अगर NIT वगैरह भी मिल गई या कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल गए, मतलब बी क्लास वगैरह, तो भी बहुत 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 डिफरेंस आता है यार। तो बीटेक अच्छी जगह से करो बिल्कुल, मैं समझता हूँ अगर आपको लगता है कि आप कर पाओगे, आप पॉजिटिवली कर पाओगे, तो जरूर करो, जरूर करो, 1 साल का ड्रॉप लेके जरूर तैयारी करो, ठीक है। इट्स रियली रियली वर्थ, बहुत डिफरेंस आ जाता है पूरा कल्चर में, कॉलेजेस में, कल्चर में, टीचर्स में, सिलेबस में, यार सिलेबस में तो जमीन आसमान का अंतर आ जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, नेक्स्ट कमेंट दिया है
निखिल नारसाले ने यस सर यू शुड स्टार्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन डेप्थ, तो मैंने ये बात सुनी है और मैं इस पर थोड़ा स्टार्ट करने वाला हूँ, बट अभी यार ये सब वीडियोस थोड़ा सा जॉब के बारे में भी देख रहा हूँ, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैं श्योरली चालू करने वाला हूँ विद इन 1 और मैक्सिमम 2 वीक्स आपको स्टार्ट मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद लिखते हैं श्री थैनोस महाराज, वाह क्या नाम है यार, श्री थैनोस महाराज लिखते हैं, बाय द वे आई एम टेकिंग ईसी दिस ईयर, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको सबसे पहले कि आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि कॉलेज एक बहुत बड़ा स्टेप होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, और ईसी ले रहे हैं तो और भी बहुत धन्यवाद, वेलकम टू दिस ईसी वर्ल्ड, अब तो यार यू आर फैमिली नाउ, तो अच्छे से पढ़ो, वीडियोस देखो, आगे बढ़ो यार, आराम से तुम रीच कर जाओगे, बहुत अच्छा रीच करोगे, और यार नाम तो बड़ा शानदार है तुम्हारा यार, थैनोस मेरा एवेंजर्स के फैन लगते हो, पहले तो अपना सही नाम बताओ और कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया ये भी बताओ, ताकि बाकियों को भी पता चले, ठीक है, तो रिप्लाई करो उस पर। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट जो है वो है प्रशांत संगीतम का, प्रशांत संगीतम लिखते हैं, हाई ब्रदर, होप यू आर डूइंग गुड, I have been watching your videos and become a fan of you. तो यार thank you. But fan man मत मनो, अपन कोई celebrity वगैरह नहीं है, छोटे आदमी है, बस help करते हैं लोगों की, तो fan man बिल्कुल नहीं, but I am Prashant, have got a rank of 745 in gate EC. This, oh my god, यार मेरे से भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब मैं तो तेरे सामने कुछ नहीं हूँ भाई, got NIT सूरतकल, अरे बहुत बढ़िया कॉलेज है, इन कम्युनिकेशंस इन फर्स्ट राउंड, वेटिंग फॉर अदर राउंड टू गेट VLSI, ओके वेरी गुड, बिफोर आई ज्वाइन कॉलेज आई हैव टाइम ऑफ 2 मंथ्स ऑफ टाइम आई हैव वॉच हाफ ऑफ रजावी पार्ट 1 एंड स्टार्टेड IIT मुंबई वीडियोज, तो रजावी पार्ट 1 देख रहे हो, हाफ देखा है, पूरा करो, नो डाउट पूरा करो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 1 वेरी 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 नाइस, मतलब उसके बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि ऑफ कोर्स यार रजावी सर पढ़ा रहे हैं तो यार अच्छा तो होना ही है, तो उसको पूरा करो, हाफ में तो आपको बेसिक डायोड वगैरह ही मिल रहे होंगे ना अभी, तो डायोड ट्रांजिस्टर BJT, तो यार MOSFET पे आओगे तो मजा आना चालू होगा, तो ये पूरा करो, और IIT मुंबई वीडियोस तो आई थिंक एन चांदोरकर सर वगैरह के देख रहे होंगे, तो आई होप सो, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी टू यूटिलाइज द टाइम आई हैव टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट इन लर्निंग ऑल थिंग्स रिलेटेड टू एनालॉग डिजाइन with the invaluable experience you have. So I don't have कोई valuable experience नहीं है मेरे पास, of course. मैंने अभी just start किया है अपना career. तो मेरा experience तो तुम छोड़ो. बाकी तो मैं analog design में कुछ पढ़ना है तो यार बड़े बड़े लोगों से सीखो यार. मैं कहाँ छोटा आदमी, मेरे से क्या सीखोगे. तो यार analog design में तुझे maximum चाहिए तो सबसे पहले तो RC करो. ठीक है, RC को एकदम ही छोटा बच्चा मत समझो, RC नहीं क्लियर हुआ, RC के 3 सवाल में से 2 सही 1 गलत भी दिए तो यू आर रिजेक्टेड, तुम्हारा कोई माई बाप नहीं रहेगा, तो यार RC तो जहां से मिले जिससे मिले, नागेंद्र कृष्णपुरा सर के भी लेक्चर्स हैं, मेरे भी लेक्चर्स हैं, मैंने भी काफी हद तक जो मुझे आता है वो समझाने की कोशिश की है, तो यार मेरे भी RC लेक्चर्स देखो, और RLC ये बेसिक तो एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए, तो इस पे बहुत 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 मेहनत करो, तो ये दो, क्योंकि कॉलेज में ये नहीं सिखाएंगे यार, एमटेक में नहीं सिखाएंगे, तो ये तुम्हें आना ही चाहिए ऐसा उनको लगता है, लेकिन हमें नहीं आता है, ये हमें पता है, तो RC पे बहुत ध्यान दो, उसके बाद RC बोला है, उसके बाद ये जो रजावी का है लेक्चर्स वो सब देखो, रजावी के लेक्चर्स जो भी तुम्हें आगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 2 भी मिलता है वो भी देखो, वो भी एनालॉग डिजाइन के लिए एकदम ही बहुत ही शानदार है वो भी लेक्चर्स, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें यार, तो मैं सोच रहा हूँ इस पर एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए कि एनालॉग डिजाइन में, एक्चुअली तो मैंने पहले ही बता दिया है कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बट ये 2 महीने में मैं समझता हूँ ये 2 महीने में तुमने इतना भी किया ना, RC बहुत अच्छे से वीडियोज देख के या फिर सिमुलेट करके, जो भी तुम्हारे पास सिमुलेटर है कुछ खुद से भी सीखना पड़ता है, और रजावी भी पूरा देखा ना, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ ये 2 महीने के लिए, इतना भी तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज में तुम किक स्टार्ट कर सकते हो कॉलेज में, ठीक है, बाकी और एमटेक लेवल पे क्या क्या प्रिपेयर करना है ना, ये तो मैं तुम्हें आई थिंक एक सेपरेट वीडियो में सबको बताऊंगा, ठीक है, एक पहले एक वीडियो हो गया है जो कि मोस्टली बीटेक लेवल के लिए है, और लेकिन वो भी इनफ है, अगर उतना भी किया तो इनफ है, तो एनालॉग डिजाइन का वो वीडियो देखो कि क्या क्या प्रिपरेशंस के लिए बोला है,
और एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, आरएफ है, मिक्स सिग्नल है, थोड़े बहुत ब्लॉक वाइज भी मैं जाना चाहता हूँ, तो उसमें मैं डेप्थ जाऊंगा। तो ऑफकोर्स मैं एक इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ऑफकोर्स। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, 745 रैंक बहुत अच्छा रैंक है, आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो वेट करो यार। आई थिंक फर्दर राउंड्स में तुम्हें एनआईटीज में ही, अच्छे एनआईटीज में ही बीएलएसआई तो मिल सकता है। तो यस, थैंक यू ऑल फॉर योर कमेंट्स एंड आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प तो हुआ ही होगा, जिन लोगों को थोड़े बहुत एडवाइस चाहिए थे। एंड ऐसे मेरे वीडियोस देखते रहो। और मैंने अपना नया टेलीग्राम चैनल चालू किया है, नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय वर्तुल, तो प्लीज़ वो चैनल ज्वाइन करो। बहुत सारे मैं अलग अलग चीज़ें उस पर स्टार्ट किया है करना, तो आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए उस चैनल को, फिर हम लोग ढेर सारी वहाँ पे भी बातें कर सकते हैं। और तो टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय वर्तुल, और मैंने अपना फेसबुक पेज भी चालू किया है, वो भी है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय वर्तुल, तो वो दोनों पे जाके फॉलो कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए, आप कहीं भी कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, आई विल बी देयर। ओके, तो ऐसे मेरे वीडियोस देखते रहो और कमेंट्स करते रहो, आपको हेल्प मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।